हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रिडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी में। एक वीडियो मैंने पहले डाला था कि मैच में लॉस क्यों होता है, ठीक है। आज का वीडियो बनाया है मैच में लॉस से बचने के 5 टिप्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे 5 टिप्स आपको दूंगा मैं जिसमें क्रिकेट में जो आपको लॉस होता है उससे आप बच सकते हैं। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले मैच में आपको पुराना लॉस भूलना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप और लॉस से बचना चाहते हैं तो अगर आपको लॉस हो चुका है पहले कम या ज्यादा, तो उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उस साइकोलॉजी से बाहर निकलना पड़ेगा, उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको पुराना लॉस भूलना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप मैच में प्लस आना चाहते हैं तो पुरानी चीजें जो बीती हैं, जो चक्र आपके साथ हुआ है, उसको भूल जाओ। नई घोड़ी नया दाम, फिर से शुरू करना है आपको। चलो पॉइंट नंबर दूसरा है, हर मैच नहीं करना है आपको। अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप रिकवर करने के लिए फिर दूसरा मैच करते हो, तीसरा करते हो, चौथा करते हो, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आपको लॉस होने लग जाता है। तो ऐसा ही आपके साथ में होता होगा। तो दोस्तों हर मैच नहीं करना है। अगर आपको वीकेंड के मैचेस में, शनिवार रविवार के मैचेस में नुकसान हो चुका है तो जरूरी नहीं है कि हर मैच शनिवार रविवार का आपके लिए बेकार हो गया। आपको कुछ दिनों का वेट करना है और फिर से शनिवार रविवार के मैचेस पकड़ना है, क्योंकि शनिवार और रविवार दोनों ऐसे दिन होते हैं जहां पर आपको जैकपॉट मिलने के चांसेस होते हैं। अभी तक के इतिहास में बता देता हूं कि शनिवार और रविवार में जितने ज्यादा जैकपॉट मैचेस हुए हैं, सारा रिकॉर्ड उठा के देख लो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी दिन ज्यादा जैकपॉट हुए हैं, शनिवार और रविवार में ही सबसे ज्यादा जैकपॉट मिले हैं मैचेस। तो चलो तीसरा पॉइंट है, वो है छोटी वर्सेस बड़ी टीम पर बैठना है। जैसे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। तो आपको छोटी वर्सेस बड़ी टीमों पर बैठना है, लॉस को आपको रिकवर करना है, तो छोटी वर्सेस बड़ी टीमों पर बैठोगे तो ही लॉस रिकवर होगा आपका। दोनों बड़ी टीमें, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड, तो आपको कभी भी इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना छोटी वर्सेस बड़ी टीम पर मैचेस पर होगा। तो ये मेरा पॉइंट लिख कर रख लो कि लॉस आपका हो चुका है, उसको रिकवर करना या उससे बचना है आपको, कि आपको ज्यादा लॉस नहीं भी हो तो छोटी वर्सेस बड़ी टीम आप पकड़ के चलोगे तो ही आपको उसमें कुछ फायदा होने के चांसेस हैं, अदरवाइज लॉस होने के चांसेस आपका बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट आपको बताता हूँ, पेशेंस होना चाहिए आपको, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको बैक टू बैक लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप हर मैच करे जा रहे हो तो आपको लॉस होना तय है, क्योंकि उस समय आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट कमजोर रहता है। जब भी लॉस होता है तो आपका माइंडसेट कमजोर होता है, आप उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो, और वही मौका रहता है बुकी वहां पर सोचता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो थोड़ा सा पेशेंस लेना है, थोड़ा इंतजार करना है और सही टाइम पर जब आपका माइंड मेकिंग हो जाए तब वापस से बाउंस बैक करना है, फिर से आना है आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको हमेशा बैक टू बैक मैचेस करना है कि मैं लॉस में आ गया हूँ तो प्रॉफिट में आऊंगा, प्रॉफिट में आऊंगा, और यही गलती के कारण लोग बाग माइनस में जाते रहते हैं, ठीक है। तो पंटर लोगों, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, एक दो मैचेस में लॉस हो गया तो थोड़ा सा वेट करो। चलो पांचवा पॉइंट है, लिमिट फिक्स करना जरूरी है। लिमिट फिक्स, आपने अगर आपने हर मैच के लिए लिमिट को फिक्स कर रखा है तो फिर तो आपको कम लॉस होगा, कम प्रॉफिट होगा, चल जाएगा। कुछ लोग ऐसा होते हैं दो मैचों में लिमिट फिक्स कर लेते हैं, तीसरे मैच में रूल को तोड़ देते हैं, या दो मैचेस के लिए लिमिट फिक्स करते हैं, पहले मैच में ही लिमिट तोड़ देते हैं, उनको लगता है अरे जैकपॉट होगा ये मैच तो कहीं ट्रिप पढ़ लेते हैं वो। आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने लिमिट पर ही बैठना है, थोड़ा बहुत दूर जा सकते हो, लिमिट से ज्यादा दूर नहीं जाना है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो ये रीजन होगा कि आप लिमिट तोड़ रहे हो अपनी, आपकी लिमिट है 5,000 की, आप 8,000 लगा रहे हो जैकपॉट के चक्कर में, या उसको कवर करने के लिए 1,000 और लगा दिया कि ठीक है यार सेशन में कवर हो जाएगा, 7,000, 6,000, 5,000, इस तरह से पैसा आप लगाते जाते हो और माइनस बैक टू बैक आप जाते रहते हो। तो ये जो 5 टिप्स है फिर से एक बार बता देता हूँ, पुराना लॉस को भूल जाओ, दूसरा पॉइंट है हर मैच आपको नहीं करना, ये मैंने स्ट्रेटेजिकल आपके लिए बनाया है, कॉपी में मैंने लिखा हुआ है। तीसरा है छोटी वर्सेस बड़ी टीम पर बैठने की कोशिश करो अगर लॉस को रिकवर करना है तो। चौथा पॉइंट है लॉस को रिकवर करना है तो पेशेंस बिल्डअप करो, हर मैच को नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड के स्टेट को सही करो और फिर से करो। पांचवा है लिमिट फिक्स करना है आपको कि आपके मैच की यह लिमिट है, इस मैच की यह लिमिट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोस्तों इस माया जाल से अगर आप बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, क्योंकि मैच किसी के बाप की जागीर नहीं है, बुकी हमेशा प्लस में रहेगा, ये मैं बात अभी भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा। बुकी ऐसी चीज है वो कभी भी लॉस में नहीं जा सकता है, जाएगा तो जाएगा पंटर। तो दिमाग से काम दोगे तो आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, इससे घर बंगला मकान गाड़ी इससे खरीदना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि बुकी इतना बेवकूफ नहीं है कि आपको घर बंगला दावत में दे दे। तो आपको उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्किल्स होना चाहिए। तो आज की मास्टर क्लास में मैंने आपको सिखाया है कि लॉस से आप कैसे बच सकते हैं,
और उसको निकलने के बाहर 5 टिप्स मैंने आपको दिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही क्रिकेट प्रेडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी कोशिश करता है कि आपको फ्री में वीडियोस देते रहे और cricketpeeper.org पर फ्री में आपको मैच की प्रेडिक्शन मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।